नमस्कार दोस्तों, भारतीय साहित्य में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम चर्चा करने वाले हैं विदेशिया के जो पद हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको एक बार दिखा देना चाहे, इसके कुल 8 पद हैं विदेशिया के, ये रहे। तो जो पहला पद है, जो दूसरा पद है, इनको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है, लेकिन जो इसके बाद के पद हैं 3, 4, 5, 8 तक ये वाले, तो इनको कवर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हालांकि मैं इसको पहली बार पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है कुछ कुछ रह जाए, छोटी मोटी चीज़ रह जाए, बाकी मैं आपको इमरजेंसी में पढ़ के सुनाऊँगा, क्योंकि पेपर बहुत ही करीब है इसका, तो इसलिए मुझे ये पढ़ना पड़ रहा है। और कई लोगों का कॉमेंट आया था कि सर विदेशिया की भी व्याख्या कर दीजिए, तो इसलिए इमरजेंसी में मैं इसको कर रहा हूँ व्याख्या। ठीक है, इतना तो मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में इसके विदेशी कथा सार है, जिसमें एक गांव का युवक कमाने के लिए कलकत्ता चला जाता है और वहां पर फिर उसको शादी हो जाती है, वहीं पे गांव में हो जाती है। उसके बाद कलकत्ता जाता है तो कलकत्ता में उससे एक युवती से शादी कर लेता है वहां पे। फिर कुछ आर्थिक बिगड़ी हालात के कारण उसको फिर कलकत्ता से वापस आना पड़ता है, उसको दोबारा वहां से माइग्रेट करना पड़ता है। तो जो उसकी पहली पत्नी होती है वो भी उसके पीछे पीछे चली आती है और फिर दोनों पत्नियाँ फिर उसके गाँव में आराम से रहती हैं बिना किसी कठिनाई के, एक साथ ही वो रहती हैं। तो ये विदेशिया है। सूत्रधार मंच पर आके मंगलाचरण सुनावता रे श्लोक। तो कोई भी नाटक हो, लोकनाट्य हो, तो शुरुआत में उसके मंगलाचरण तो होता ही है, तो ये वही मंगलाचरण है। ठीक है, ये आता नहीं है। ठीक है, मंगल भवन मंगलहारी, ये सब हिंदी में है कि आज विदेशी का तमाशा होगा, सब देखने के लिए आ रहे हैं। इसकी शुरुआत हम इसको यहाँ से करते हैं। भादो दर्शावत, तो जूम कर देता हूँ। सोचा तारी, मतलब वो जो स्त्री है वो अपने पति के व्याकुल में, अपने पति के विरह में सोच रही है कुछ, और क्या सोचती है। भादो दर्शावत आधा राती हो जावत। भादो मतलब एक ऋतु है, भादो कई मतलब महीने आते हैं जाते हैं, आधी रात हो जाती है। बदी तेरस परी जावत बूंद जम जम जमकत बा। बदी तेरस मतलब वर्षों बीत जाते हैं, बूंद जम 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 बारिश होती रहती है। घेरत घनघोर झिंगुर दादुर मचावत शोर। घनघोर मतलब बादल घेर लेते चारों तरफ से, झिंगुर जो होते हैं, झिंगुर वो शोर मचाते हैं, मचा रहे होते हैं। दामिनी दल सजी सजी, मतलब जो स्त्रियां हैं गांव की वो सज सज कर इधर उधर घूमती रहती हैं, सज रही हैं ये कह सकते हैं। चम चम चमकत बा मतलब वो चमक भी रही हैं। वो पुरखा पवन आवत सनसनावत शर्मावत। पुरखा पूर्वापन मतलब पूर्वा, मतलब पूर्व की तरफ से पवन चलती है, मतलब हवा चलता है, वो आ रहा है, सनसनाहट से आवाज़ आती है उसकी, शर्मावत शर्माते हुए आ रहा है। मन भावत नहीं है सरक, मतलब मेरा मन इसमें नहीं लग रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी मेरा मन नहीं लग रहा है, मतलब इतनी अच्छी ऋतु आ रही है लेकिन मेरा मन भी नहीं लग रहा है। दम 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 कदबा मतलब दम मेरा घुट रहा है। कत भिखारी भारी जारी जनावत। तम तरुणी के तबियत भीतर बम 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 कदबा मतलब उनकी तबियत अंदर से खराब हो रही है। ओ समय में प्यारी सुंदरी का कही के रो उतारी। उस समय जो प्यारी सुंदरी है वो क्या कह के रो रही है, ये जो भिखारी दास बताते हैं कि क्या कह के वो रोती हैं, तो क्या कह के रोती हैं वो। जनिया मकनिया में हनी के कवरिया दाकत बाड़ी बारंबार। जनिया मकनिया मतलब जिस मकान में रहती हैं तो वहाँ का जो किवाड़ है वो हवा से बार बार, जैसे जब हवा चलती है तो जो दरवाज़ा होता है बार बार खुलता है बंद होता है, तो वही कह रही है दाकत बाड़ी बारंबार। पिया घरे रहितन जवन जवन चैतन कैतन करती तैयार। वो कहते हैं कि अगर मेरे पिया जी मेरे घर पे रहते हैं और जो जो वो कहते हैं, जो वो चाहते हैं, तो मैं करने को हमेशा तैयार रहती। मनवा भवनवा अगनवा में लागत नहीं थे कम मिलियन समाचार। जो मेरा मन है तो मेरे घर में नहीं लग रहा है, मेरे आंगन में नहीं लग रहा है, ठीक है, उनका समाचार कम मिलेगा। कहत भिखारी नाई प्यारी के चरित गाई गाई करियन करतार। अब ये देखिए तो जो सारी के लय, ये इसकी बात करते हैं हम। अब ए स्वामी जी जवन जूने भइल सुमंगली त जनली जे भाग जागल हो राम। मतलब जब हमारा शादी हुआ था तो मेरे भाग जाग गए थे। ये स्वामी जी यहाँ पर स्वामी जी है, मतलब अपने पति को कह रही है। ठीक है, देखिए जी, इतना तो मैं आपको बता ही सकता हूँ कि आपको क्या लिखना है, आप क्या लिख सकते हैं, हिंट तो मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसको पहली बार पढ़ रहा हूँ। ए स्वामी जी नैहर से नाता तूरी दियाला। नैहर मतलब होता है उसके मायका। वो कह रही है कि स्वामी जी आपने, पति जी आपने मेरा जो नैहर है मतलब जो मायका है वहाँ से आपने नाता तोड़ दिया है मेरा। तो ससुराल सुहावन लागत हो राम। तो उसके बाद जो ससुराल है मेरा वो मुझे फिर सुहावना लगने लगा। ये स्वामी जी घरवा भीतरवा बैठाई कर गईला। घर भीतर मतलब घर के भीतर बैठा के आप चले गए, गईला मतलब चले गए। स्वामी जी आप मुझे घर बिठा के चले गए। कौना दो मुल्कवा भागल हो राम।
आपको पता है ये, मतलब आप कौन से मुल्क में चले गए हो, कौन से किस देश में आप चले गए हो? एक स्वामी जी खतवा से पतवा पेट हित था सुनी के अगर इति पागल हो राम। ए स्वामी जी खतवा से पतवा पेट हित था सुनी के अगर इति पागल हो राम। इसका भी नहीं पता। ए स्वामी जी हाथ गोड़ चौरी के लोहवा लाल कही के यही हवे दोहिया दागल हो राम। ये कहने की जो हाथ गोड़ जो है मेरे वो एकदम लोहे की तरह, मतलब ऐसा लगाया जैसे कि लोहा गरम मेरे शरीर को दागा जा रहा है। दहिया मतलब होता है शरीर, दागल मतलब दागना। ए स्वामी जी सुस्की सुस्की लोरवा पुष्टमानी देखिए लारेवा, मतलब सिसक सिसक कर रो रही है अपने पति की व्याख व्यधा में और अपने जो आंसू हुए पोछ रही है। पोछत पानी केहूँ नेखे सुनत रागल हो राम, मतलब जो मेरी पुकार है जो मेरी व्यथा है वो कोई सुन नहीं रहा है। ए स्वामी जी कहत भिखारी नाई पैतन खाई के गुंदल ना मेमियाली छागल हो राम। ठीक है हुए हैं, ठीक है। तो ये था इसका पहला पद जिसको हमने कैसे भी करके टूटी फूटी व्याख्या कर दी है। ठीक है, आप इसको अपने भाषा में लिख सकते हैं आराम से। आप इसको जो कहते हैं ना, आपको अगर हिंट मिल जाता है किसी भी स्टूडेंट को तो फिर वो पूरा पूरी जो कहानी है वो अपने आप रच देता है। तो उसी प्रकार मैंने आपको थोड़ा बहुत इसमें हिंट दे दिया है, ठीक है, और आप इसकी कहानी तो अपने आप ही लिख पाएंगे। अगर आपको इसकी स्पेशली पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए मेरे को, मैं आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा देता हूँ। और अगर जो ये जो दूसरा पद है इसका, ये भी मैं कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको दूसरा पद चाहिए, तीसरा भी चाहिए, तो वो मैं आपको बना के दोबारा इसलिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये तो पहली वीडियो थी, मैं लंबी नहीं करना चाहूंगा वीडियो को, तो मुझे यहीं पे इसे ख़त्म करना पड़ेगा, यहीं पे इसको समाप्त करना पड़ेगा। तो ये था हमारा पहला। ठीक है, अगर आपको दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए पीडीएफ व्याख्या चाहिए, तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं पक्का इस पर बनाऊंगा जरूर। ठीक है, क्योंकि हमें इमरजेंसी में कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।